छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए तीन ऐसे एग्जाम्पल, चंद्रो तोमर, चार्ल्स ऑगस्टर, मिस्टर रे क्रॉस, फुनशुक वांगडू, जिसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि अपने पैशन को पूरा करने के लिए उम्र सीमा नहीं होती। किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में आप अपने पैशन को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं एज इज नो बार टू परस्यू योर पैशन। फ्रेंड्स, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, आप कभी भी किसी भी उम्र में अपने पैशन को पूरा कर सकते हैं और उसमें बहुत अधिक सफलता पा सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपको इसकी पहचान कैसे होगी कि आपके अंदर पैशन क्या है या कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और ये समझना कि मेरा पैशन क्या है वो बहुत आसान है। जिस काम को करने में आपका मन बहुत अधिक लगता है, जिस काम को करने में आपको ये पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया, जिस काम को करने के बाद आपको बहुत खुशी मिलती है, जिस काम को करने के बाद आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और जिस काम को करने के बाद आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होती, वही आपका पैशन। मतलब उस काम को करने के लिए मिलने वाला कितना पैसा होगा इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस काम को करने के लिए कितना ट्रेवल आपको करना पड़ेगा इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो केवल वो जोश रहता है कि मुझे वो काम पूरा करना है, मुझे उस पैशन को पाना है। गांव जोहड़ी और डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश की एक महिला जिसने 65 वर्ष की उम्र में अपना पैशन पूरा किया और आज वो लेडी वर्ल्ड फेमस शार्प शूटर है। चंद्रो तोमर, जिसने 65 वर्ष की उम्र में निशानेबाजी शुरू की और 85 वर्ष की उम्र तक आते आते पूरे विश्व में 150 से अधिक मेडल उस लेडी ने हासिल की। चंद्रो तोमर की इस सफलता को देखते हुए 15 मई 2016 में इंडिया गॉट टैलेंट ने स्पेशल गेस्ट के रूप में चंद्रो तोमर को बुलाया और एक अवार्ड दिया, बेस्ट शार्प शूटर ऑफ ओल्ड एज इन द वर्ल्ड। चंद्रो तोमर 6 बच्चों की माँ और 15 बच्चों की दादी है और आज चंद्रो तोमर बागपत में अपने गांव में एक शूटिंग क्लब चलाती है और 600 से ज्यादा गांव की लड़कियों को वो ट्रेंड करके मेडल हासिल करने के लिए योग्य बना चुकी है। और आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चंद्रो तोमर को रिवॉल्वर दादी के नाम से जाना जाता है। और ये कहानी केवल चंद्रो दादी की नहीं है, चंद्रो दादी के साथ प्रकाशो दादी भी एक गोल्ड मेडलिस्ट शार्प शूटर है। चंद्रो दादी और प्रकाशो दादी का आपस में रिलेशन देवरानी और जेठानी का है। सन 2001 में दिल्ली में एक शूटिंग कंपटीशन हुआ जहां पर प्रकाशो दादी ने डीआईजी ऑफ दिल्ली को हराकर गोल्ड मेडल शूटिंग में हासिल किया। और चंद्रो दादी जब इस उम्र में शूटिंग की प्रैक्टिस करने जाया करती थी तो गांव के लोग कहते थे, रज चंद्रो दादी कारगिल युद्ध लड़ेगी के। माया भूषण ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग स्टोर, वी आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बाय एवरी काइंड ऑफ ज्वेलरी, be it gold jewelry, platinum jewelry, silver jewelry or diamond jewelry, with exclusive selections for everyone, whether men, women, kids, gifting purposes, etc. All under single roof of Maya Bhushan. So what are you waiting for? Jewelry khareedne ka best solution only at Maya Bhushan. Visit us now at www.mayabhushan.com. UK ke Charles Augustus, जो बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट थे, उनके परिवार में बहुत सारे लोग प्रोफेशन से डॉक्टर थे, तो उनके मन में भी एक विचार था कि मुझे अपने परिवार के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। लेकिन उनका पैशन बॉडी बिल्डिंग था और जब 75 साल की उम्र में वो रिटायर हुए तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पैशन छूट गया है। 75 ईयर की एज में उन्होंने अपने मन में ठाना कि मुझे बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है और जब इसके बारे में उसने अपने बेटे को बताया, अपने परिवार के सदस्यों को बताया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दादाजी दिस इज नॉट अ राइट एज टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग, ये नहीं पता कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी बिल्डिंग करते समय आपकी मृत्यु हो जाए या आप कोई इंजर्ड हो जाए। लेकिन चार्ल्स ऑगस्टर के मन में एक विश्वास था कि अब मेरी लाइफ का वो समय बचा है जहां पर मैं अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर चुका हूं, केवल एक महत्वाकांक्षा मैं मरने से पहले जरूर पूरा करना चाहता हूं। और उन्होंने जिम जाना शुरू किया और धीरे 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 बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस करना शुरू की और बहुत जल्दी वो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर बन गए। और एक ऐसा एग्जाम्पल जो विश्वविख्यात है,
लेकिन शायद आप नाम से नहीं पहचानेंगे। मिस्टर रे क्रॉस अपनी लाइफ में हर बिजनेस में असफल हुए। उन्होंने जो भी बिजनेस ट्राई किया वो बंद हो गया, जो भी बिजनेस करना चाहा वो खराब हो गया, वो सक्सेस नहीं कर पाया और 52 वर्ष की उम्र तक आते आते वो एक बहुत बड़े असफल व्यक्ति बन गए। और उस समय पर उनको रियलाइज हुआ कि अब मुझे कोई भी काम नहीं करना, अब मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो मुझे अपने पैशन पे लगाना है। और मेरा पैशन क्या है, जब इसके बारे में बेंच पर बैठकर वो सोच रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है खाना बनाने के में। और उन्होंने खाना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वो खाना पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो YouTube पर बनाई थी और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जहां पर पूरा एक्सप्लेन किया गया कि उस व्यक्ति ने सफलता कैसे हासिल की। लेकिन जब मैं इस ब्रांड के बारे में आपको बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी उम्र में, जीवन के किसी भी पड़ाव पर यदि आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो बहुत अधिक सफलता हासिल की जा सकती है। उस ब्रांड का नाम है मैकडॉनल्ड। पूरे विश्व में 27,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड इस समय कार्यरत हैं और उस व्यक्ति ने अपने इस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और 52 वर्ष की उम्र में, जहां पर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, काम करना शुरू किया और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर दिया। तो रे क्रॉस के लिए भी ये लाइन सटीक बैठती है, एज इज नो बार टू परस्यू योर पैशन। यदि आप अपने पैशन को हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे कब शुरू करना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, अपने पैशन को अपनी डायरी में नोट करें और अपने टारगेट को निर्धारित करें कि कितने समय में मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारे लोगों के काम का हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई इच्छा दबी रह जाती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन पर, अपने पैशन पर प्रॉपरली फोकस कर सके। और फ्रेंड्स, थ्री इडियट मूवी में भी आमिर खान, जिसका नाम फुनशुक वांगडू था, उसने अपने दोस्त फरहान को ये बताया कि तेरा करियर इंजीनियर बनने में नहीं है, तेरा करियर वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर बनने में है। तो आज आमिर खान के उस रूप में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने पैशन को जरूर फॉलो करें, वही आपको अपार सफलता दिलाएगी। इसीलिए अगर आप भी अपने फ्रेंड के किसी भी पैशन के बारे में जानते हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फ्रेंड को जरूर भेजें और उसको उसके पैशन पर काम करने के लिए प्रेरित करें और उसकी सफलता को देखते हुए अपने पैशन में भी सफलता हासिल करें। और हाँ, मेरी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।